नमस्कार, आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि आप एक रात में अमीर हो जाएंगे, एक रात में आप धनपति बन जाएंगे, रुपयों की बारिश होंगी, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, सब एक दिन में, एक रात में हो जाएगा। मगर रुपयों की तंगी जो जीवन में है, रुपयों की तंगी की वजह से जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, रुपयों की तंगी कम अवश्य हो जाएगी। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि जो रुपयों की तंगी का आप सामना कर रहे हैं, रुपयों की तंगी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आप भी कुछ बैलेंस बना पाएंगे। आपके घर में रुपये आते हैं, टिकते नहीं हैं। लक्ष्मी जी आते हैं, चले जाते हैं। दोस्तों, शुभ लक्ष्मी, पवित्र लक्ष्मी और स्थायी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में, आपके परिवार के साथ सदा के लिए बनेगा। भरोसा रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, परिवार से जुड़ जाएं। वीडियो देखने के बाद हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आप अवश्य लिखेंगे। भगवान श्री राम का नाम कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, 8732985130। इस नंबर पे आप सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, समस्या का समाधान चाहिए, इस नंबर पे मैसेज करके रख दे, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। छोटी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, मामूली फीस लेता हूँ, वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ये सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी कि आपकी कौन सी डिटेल्स भेजनी है, फीस कैसे पे करनी है, ये सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। फालतू के मैसेज ना करें, फालतू के कॉल ना करें। दोस्तों, ये उपाय करेंगे आप गुरुवार के दिन, एक बार ही उपाय करना है, एक गुरुवार ही आपको उपाय करना है, बिना स्किप करे वीडियो को देखे उपाय को ठीक से समझ ले। बुधवार के दिन बाजार में से एक हल्दी की गांठ ले आए, गांठ को घर लाने के बाद गंगा जल है आपके पास तो गंगा जल से धो ले, नहीं तो घर का शुद्ध जल से हल्दी की गांठ को धो ले, आपकी पूजा कक्ष में रख दे। आप जहाँ पूजा पाठ धूप दीप करते वहाँ इस गांठ को रख दे। बुधवार के दिन हल्दी लाएंगे, गांठ लाएंगे। गुरुवार के दिन सुबह में इस हल्दी की गांठ को आपके सामने रखें। एक पीले वस्त्र के ऊपर हल्दी की गांठ रखें, एक घी का दीपक जलाए, एक माता लक्ष्मी नारायण का छोटा मंत्र देता हूँ, वो मंत्र की 3 माला करें। लक्ष्मी नारायण का छोटा मंत्र है श्री हरि, श्री माता लक्ष्मी, हरि भगवान विष्णु। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि की 3 माला करें। तुलसी की माला है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कुछ उपाय में मैं कब गिनती करने की ना बोलता हूँ कि आप मंत्र की गिनती ना करें। 5 मिनट, 10 मिनट बैठे,
कुछ उपाय में मैं आपको कुछ खास माला की बात करता हूँ कि रुद्राक्ष की माला ले, स्फटिक की माला ले, तुलसी की माला ले। ये उपाय में आपके पास तुलसी की माला है तो अच्छी बात है, तुलसी की माला से आप श्री हरि श्री हरि श्री हरि की 3 माला करेंगे। इस हल्दी की गांठ को उठाए, वैसा कोई शिव मंदिर ढूंढे कि जिस मंदिर के ग्राउंड में कंपाउंड में पीपल का बड़ा पेड़ हो, वहां आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि उत्तर दिशा कौन सी बाजू पड़ती है। पीपल के पेड़ के पास खड़े रहेंगे तो उत्तर दिशा कौन सी बाजू पड़ती है, पीपल के पेड़ के पास जड़ के बाजू उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप थोड़ा देख लेना। उत्तर की बाजू में थोड़ा गड्ढा करें, पीपल का पेड़ है वहाँ आप खड़े रहेंगे, उत्तर की बाजू देखें, उत्तर की बाजू जड़ के पास नीचे थोड़ी मिट्टी हटाए, गड्ढा करें, थोड़ा थोड़ा गड्ढा ज़्यादा करें, हल्दी की गांठ कोई निकाल ना दे बाहर, क्योंकि ये हमेशा के लिए रहेंगी, कभी निकालनी नहीं है। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, फिर से नम्र निवेदन करता हूँ, हल्दी की गांठ को गड्ढे में रख दे, ऊपर अच्छी तरह से माटी दबा दे, साथ में जल ले गए हैं जल चढ़ा दे, नहीं ले गए कोई बात नहीं, हल्दी की गांठ हमें पीपल के पेड़ के नीचे जाके दबा देनी है। दोस्तों अनेक वीडियोस में एक बात मैंने बार बार शेयर की है और ये सभी बातें हर दिन शेयर करता हूँ, वीडियोस लंबे हो जाते हैं, हल्दी बृहस्पति है, कंदमूल होने के नाते मंगल से संबंध रखती है, पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं के वास होते हैं, लक्ष्मी नारायण खुद बिराजते हैं पीपल के पेड़ में, हल्दी लक्ष्मी नारायण को अति प्रिय है। ये सभी बातें मैंने अनेक वीडियोस में आपके साथ शेयर की है, तो आप सिर्फ उपाय को समझ लें, उपाय कैसे काम करता है वो दूसरे कभी कोई वीडियो में बता दूंगा, ऐसा सब्जेक्ट आ जाएगा तब तो। बस इतना कर लिया आपने, महीने में एक बार चने की दाल, बुधवार की रात्रि को एक मुट्ठी चने की दाल एक बर्तन में डाले, ऊपर जल डाल देना है, ठंडा जल, चने की दाल को भिगोनी है, उबालना नहीं है, भिगोनी है चने की दाल को। इस बर्तन को आपके सिर के पास बुधवार की रात्रि को आप चने की दाल भिगोएंगे, सिर के पास पूरी रात रहने दें, कोई टिपोई के ऊपर रख दे, थोड़ा ऊंचा सिर की आजू बाजू कहीं भी रखें, बर्तन को खुला रखें, बंद नहीं करना है बर्तन को, छोटी कटोरी में एक मुट्ठी दाल भिगो देनी है। गुरुवार के दिन सुबह में पानी छान लें, पानी को जाने दें, सुबह में स्नान करने के बाद घर से निकले, आपने जहाँ हल्दी की गांठ दबाई है उत्तर दिशा की बाजू, पीपल के पेड़ के नीचे उत्तर दिशा की बाजू जहाँ हल्दी की गांठ दबाई है वहाँ श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोल के 5 उंगली से बर्तन में से चने की दाल उठाएंगे, हल्दी की गांठ जहाँ दबाई है वहाँ थोड़ी जगह साफ सुफ कर ले अगर कचरा पड़ा है तो, श्री हरि बोल के रख दें श्री हरि, वैसे आप 3 बार चने की दाल उठाएंगे, 3 बार बोलेंगे श्री हरि श्री हरि श्री हरि, मन ही मन भगवान लक्ष्मी नारायण को भगवान नारायण को प्रार्थना करें, हे प्रभु आप
माता लक्ष्मी को साथ में लेके मेरे साथ चले, मेरे घर चले, मेरे घर में आके वास करे, निवास करे। हल्दी की गांठ एक बार दबानी है, चने की दाल महीने में एक बार कोई भी गुरुवार के दिन जाके आप चढ़ा देंगे। आपके कुछ ग्रह ठीक नहीं है तो वो ग्रह भी बैलेंस हो जाएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी, भगवान लक्ष्मी नारायण आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे। दोस्तों, बात है श्रद्धा और विश्वास की। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।